हेलो फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे इनलार्ज प्रोस्टेट प्रोस्टेट के बढ़ जाने के बारे में। आपको बताएंगे इनलार्ज प्रोस्टेट यानी कि प्रोस्टेट बढ़ जाने का कारण, आपको इसके सिम्टम्स लक्षण बताएंगे, आपको बताएंगे प्रोस्टेट है क्या। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और अभी जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जानते हैं प्रोस्टेट के बारे में। दोस्तों, प्रोस्टेट एक ग्रंथि ग्लैंड होती है, यह पुरुषों में होती है, यह एक अखरोट के आकार के बराबर होता है। मूत्राशय की ग्रीवा ब्लैडर नेक मूत्राशय के निकास यानी कि मूत्र मार्ग के पास होता है। दोस्तों, प्रोस्टेट एक दूध्य तरल पदार्थ बनाता है जिसे वीर्य सीमन कहते हैं, यह आपके शुक्राणुओं के लिए भोजन का काम करता है। दोस्तों, यह अगर किसी को जब प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं, तब उसको मूत्र से संबंधित बहुत सी समस्याएं होने लगती हैं। प्रोस्टेट बढ़ जाने के लक्षण, आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको जब कभी आपके प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं तो उस समय आपको मूत्र आना बंद हो जाता है, यानी कि आपको पेशाब यूरिन नहीं आता है, आता भी है तो दर्द के साथ आता है और बूंद बूंद आता है। दोस्तों, आपके मूत्र में खून ब्लड भी आ सकता है और उसमें से गंध भी आ सकती है। दोस्तों, प्रोस्टेट बढ़ जाने से जब आप यूरिन करते हैं तो यूरिन करते समय दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, यूरिन करने के बाद दर्द हो सकता है, शारीरिक संबंध के बाद आपको दर्द हो सकता है। दोस्तों, यूरिन बार बार आ सकता है, यानी कि एक दिन में आपको 8 से 9 बार भी यूरिन आ सकता है और इतनी तीव्र आता है कि आप अपने यूरिन को रोक नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको तीव्र इच्छा होती है यूरिन करने के लिए। दोस्तों, आपको बार बार यूरिन और आपको बूंद बूंद यूरिन भी आ सकता है। ये लक्षण होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं इनलार्ज प्रोस्टेट होने के। अब आपको इनलार्ज प्रोस्टेट प्रोस्टेट के बढ़ जाने का कारण बताते हैं। दोस्तों, इन कारणों द्वारा आपको इनलार्ज प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। पहला कारण है, अगर परिवार में किसी को इनलार्ज प्रोस्टेट की समस्या है तो आपको भी इनलार्ज प्रोस्टेट यानी प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या देखी जा सकती है। दोस्तों, उम्र के साथ साथ इनलार्ज प्रोस्टेट की समस्या अधिक देखने को मिलती है, विशेष तौर से 70 वर्ष की उम्र के बाद अक्सर अधिकतर पुरुषों में देखा जाता है कि इनलार्ज उनके गदूद बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपको इनलार्ज प्रोस्टेट की समस्या मेल हार्मोन्स की कमी होने के कारण भी हो सकती है। उम्र के साथ साथ बढ़ने से आपके मेल हार्मोन्स कम होने लगते हैं जिसके कारण आपको इनलार्ज प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। ये कारण हो सकते हैं आपको इनलार्ज प्रोस्टेट होने के। दोस्तों, प्रोस्टेट बढ़ जाने के अब आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो आपको बढ़े हुए प्रोस्टेट से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देंगी। दोस्तों, ये मेडिसिन आपको बार बार प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या भी नहीं होने देती है, पुरुषों के लिए बेस्ट मेडिसिन है। पहली और बेस्ट मेडिसिन है सोलिडेगो बिरगा क्यू। सोलिडेगो का मर्ड टिंचर लेना है। दोस्तों, यह मर्ड टिंचर बेस्ट और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट मर्ड टिंचर है। दोस्तों, यह मेडिसिन आपको बढ़े हुए प्रोस्टेट से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देती है। वे व्यक्ति जिन्हें प्रोस्टेट बढ़ जाने से यूरिन नहीं होता है, यूरिन उनका बंद हो जाता है यानी पेशाब की समस्या उन्हें बन जाती है, पेशाब नहीं होता है, उसके लिए उन्हें कैथेटर लगाना पड़ता है। कैथेटर लगाने के बाद ही यूरिन पास होता है, तब दोस्तों आप इस मेडिसिन को जरूर लें। यह मेडिसिन लेंगे तो आपको कैथेटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको यूरिन पास होने लगता है और बिना किसी नुकसान के। दोस्तों, पुराने से पुराने इनलार्ज प्रोस्टेट को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। यह मेडिसिन आपको कुछ दिन लगातार लेनी है। दोस्तों, आपको इसकी 20 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार रेगुलर लेनी है। जिस समय आपको प्रोस्टेट बढ़ जाने से आपका यूरिन हो जाता है तब आप इसको जल्दी जल्दी भी ले सकते हैं, यानी कि हर 2-2 घंटे के अंतर से आप इसकी 20-20 बूंद आधे कप ताजे पानी में डालकर ले सकते हैं। आपको यह तुरंत इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से जो आपका यूरिन पास नहीं हो रहा है वह पास हो जाएगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है सेबालसा रूटा क्यू। दोस्तों, सेबालसा रूटा क्यू यानी इसका भी मेडिसिन लेना है, बढ़े हुए प्रोस्टेट को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अगर किसी को इनलार्ज प्रोस्टेट की समस्या हो गई है, प्रोस्टेट बढ़ गया है, गदूद बढ़ गए हैं जिसके कारण उन्हें दर्द होने लगता है, यूरिन करते समय दर्द होता है, यूरिन बूंद बूंद आता है, यूरिन करने के बाद जलन होती है,
तब आपको यह मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए। यह मेडिसिन अगर किसी को भी इनलार्ज प्रोस्टेट की समस्या हो गई है, पुरानी से पुरानी प्रोस्टेट बढ़ जाने की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। किसी भी एज में अगर प्रोस्टेट बढ़ जाने की समस्या है तब उसे शैवाल सा रूटा जरूर दे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन, ये दोनों मेडिसिन आपको 100% इनलार्ज प्रोस्टेट से छुटकारा दिला देती है बिना किसी नुकसान के। जब दोस्तों अगर आपको बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, दर्द रहता है, यूरिन करते समय दर्द होता है, यूरिन के बाद जलन होती है, या फिर आपको दबाव महसूस होता है, मूत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए ये दोनों मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन है। अगर दोस्तों आपको इनलार्ज प्रोस्टेट की और अधिक जानकारी चाहिए तब आप हमारी वेबसाइट pariupchar.com पर देख सकते हैं। pariupchar.com की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर